हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और हम घर में आए हैं सब बच्चे, क्योंकि पापा लेके आए हैं गाय। गाय के इंतजार में बैठे हैं सब, हम भी और बच्चे भी। मम्मी भी आई हुई है और पापा। वैसे तो गाय रात ले आए थे, कोल्लू में बांध दी थी, क्योंकि रात को घेर पे नहीं ला पाए। अब घेर में लाएंगे, आपको दिखाएंगे। उसकी सेवल करेगी किट्टू। कैसे हमारे यहाँ जैसे नया पशु लेके आते हैं तो उसकी सेवल करते हैं, उसके टीका लगाते हैं, मिट्टी का भोग लगाते हैं, उसके पैर भी धोते हैं। वो आप सबको हम दिखाएंगे। चलिए, अब हम सब गाय की इंतजार में बैठे हैं घेर में। बड़ा बच्चे हो अब लड़के, इसे आवाज ये भीगरी से देख क्या अरे ला जा, काम किट्टू कर ले करेगा सेवल। नहीं, मारने के लिए चाचा है। हाँ, नहीं माँ का पहले अगले पैर धो दे। धो दिए इस बच्चे के भी? धो दे बच्चे के भी। धो दे, ये छोटी बच्ची है इसकी, इसके साथ ही आई बच्चा है। अरे मारा है तो मारा है। टीका तो लगा दे। ना तो भी गिरीश का था, लगा दे। बढ़िया ना है, 10-12 लीटर दूध जाएगी। और लगा जाते सी, लगा जो दिखेगा। या इधर ही मीठा दे दे इसके मुंह में, मीठा तो दे। प्लेट लगा दी ना छोटा। बस जाओ आराम से। बात देखिए, आज पापा गाय लेके आई हैं। आज हमने गाय ली है और किट्टू ने इसकी सेवल करी। ले अंदर ही, मारने की नहीं है, अंदर ही आ जा। जैसा सुन रही देख, तू देख, तू सोच रही है मेरी है छोटी कटिया। और देखिए, सब बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत खुशी है सबको, हमें भी और सब बच्चों को भी, कि आज पापा गाय लेके आए। देखिए, हमारे दो भैंस और एक गाय और तीन छोटे छोटे लुआरू हो गए। और देखिए, गाय की सेवल हमारी हो चुकी है। गाय की सेवल के बाद बच्चे भी और किट्टू भी, मम्मी भी जा चुकी हैं घर। अब मैं ही हूँ अकेली घेर में। और मैंने सबसे पहले भैंसों को भी नहला दिया, वो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं अकेली हूँ। कैमरा मैन भी मैं ही हूँ और भैंसों को नहलाने वाली भी मैं ही हूँ। देखिए, सबसे पहले गाय को मैंने ही नहलाया है। देखिए कितनी सुंदर बना दी, नहला के इसे भी नहला दिया, छोटे को भी और इसे बड़ी कटिया को भी नहला दिया। और जो इसके साथ बची आई है इसे भी नहला दिया। लाइट आ गई और बड़े भाई सब घास काट रहे हैं। अब ये जूने हैं, कुल्लू में से निकाल कर लाते हैं। और बड़े भाई साहब घास काट के चले गए, उन्हें स्कूल जाना होता है। तो मैं घास काटने के बाद में सुबह के टाइम, देखिए गुरसल भी आ गई। गुरसल बोल रही जिन्ने पे बैठी, घास काट दिया। हमारा सारा घास कट चुका है। और ये जूने हैं, जूने हमारे कुल्लू में आते हैं गन्ने के साथ में, जिनमें गन्ने की पूली बंदी रहती है, तो उन्हें खोल के निकाल के फिर हम घास के उसमें अपने डंगरों को खिलाते हैं। वो देखिए, आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी।
और वो हमने पहले से काट लिया है। ये आलू और गोभी काट लिया, टमाटर काट रहे रीटू, हम टमाटर काट रही और प्याज भी काटेंगे, लहसुन भी। प्याज छोंक वाले तो क्या कर रहे, नहीं मटर उसमें कुछ काम नहीं, नहीं बस यहाँ से काट देंगे, मैंने इसमें छीला था। अंधेरा होगा, सब्जी भी नहीं छुपी हमारे तो। और देखिए सब्जी को हमने पहले धो लिया है और सारा सामान तैयार कर लिया, टमाटर प्याज और लहसुन काट लिए हैं, तेल भी चढ़ा दिया कुकर में। और ऊपर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि रात होगी, आज हमें खाने बनाने के बहुत लेट हो गए बच्चों में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का साथ है तो उसमें टाइम लगता है हमें। और देखिए हमारा लड्डू भी आ गया घूम के, चाची के घर गया था। लड्डू आपको हेलो बोल रहा, देखियो। और देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, उसमें डाल दिया है जीरा और प्याज और लहसुन डाल दिया। अब इसे भूनने के लिए थोड़ी सी देर छोड़ देंगे ऐसे ही। और देखिए हमारा प्याज भुन चुका है, अब इसमें डालते हैं टमाटर, नमक मिर्च डाल दिया और हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ही करना आपको बहुत पीछेगा तो पीस लेंगे, हाँ सुखा कर पीस लेंगे। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी तरी बन गई है प्याज टमाटर भुनने के बाद में। अब इसमें डालते हैं आलू गोभी, कितना अच्छा रंग आ गया। गोभी तो बिना टमाटर के बनती है, हाँ नहीं गोभी को तो प्याज भी अच्छा चाहिए टमाटर भी चाहिए, जब ये अच्छी बने। बंद कर दब, वो देखिए अच्छे से इसे मिला ली है। अब कुकर का ढक्कन बंद करते हैं, फिर एक दो दो सीटी में हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। और देखिए सब्जी छोंक दी है, इधर रख दिया है दूध और गर्म होने वाला है, तब तक बना रही हूँ आटा, आटा बनाऊंगी, इतना सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। और लड्डू भी आ गया था, उसको लगी है भूख, वो दूध पी रहा, उसको दूध पिलाने के बाद बनाएंगे रोटी, सभी आ जाएंगे खाने के लिए, गर्मा गर्म रोटी सबको दे देंगे बना के। और देखिए रीतु बना रही है खाना और मैं पिला रही हूँ लड्डू को दूध, ये रही लड्डू की सीसी, लड्डू दूध पी ले। देख लड्डू भी हंस रहा, इसने दूध पी लिया। अब ये लड्डू की सीसी पकड़ अपनी सीसी के साथ खेल कर रहा, कर लड्डू देखिए ये लड्डू है क्या भैया तू क्या करे। और ये देखिए मिष्टी और अंशी दोनों ट्यूशन का होमवर्क कर दी। हेलो फ्रेंड, हेलो बोलो, हेलो फ्रेंड, हेलो आपको हेलो बोली। और आर्या वो पड़ी आर्या सोफे पे, बेटा क्या हो रहा, नींद आ रही, सो जा, या नींद में हो रही। और लड्डू ने पी लिया दूध, लड्डू ने पी लिया दूध और हमारी सब्जी रोटी भी बन गई। लड्डू मम्मी खाना बना रही है, लड्डू ये रहा लड्डू,
हेलो बोल लो लड्डू, हेलो बोल लो। आज सुबह से बस यू ही कर रहा है। और ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। सारा पानी सूख गया। सूख की सब्जी बन गई अच्छी। और इधर रख दिया तवा, रख दिया और दूध भी गर्म हो गया है, तो इस गैस पे छोंक दिया ठाकुर जी की सब्जी। अच्छा ठाकुर जी की सब्जी छोंक दी। ये जीरे जीरे की सब्जी बनाते हैं ना ठाकुर जी की, लहसुन प्याज नहीं डाल सकते। जब तक कोई खाने वाला आवे ना रोटी बन के तैयार। हाँ अभी कोई नहीं आया खाने वाला। पहले इसे बच्चे बाहर कर रहे पढ़ाई और हम बोल रहे कल छुट्टी है संडे की, कल को कर लियो। नहीं आज ही करेंगे, कल को भंडारे में जाएंगे। कल को भंडारे में जाएंगे, हमारे यहाँ मंदिर में भंडारा है। और देखिए बच्चों को खाना दे दिया है। आलू गोभी की सब्जी है और पराठे की फरमाइश थी बच्चों की, मम्मी पराठे बना दो इसके साथ, तो पराठे दिए। अभी गर्म है, ठंडी हो जाता है जब खा लिए। और लड्डू देखे ये क्या कर रहा। मैं मामा यो इन्हें खाने देने का हाथ मार देगा। उठा कर लेगा सब्जियों में लोटियों। चलो खाना खा लो, आ लिया परेशान कर देगा यो लड्डू। एक टुकड़ा दे दे सर, एक टुकड़ा दे दिया लड्डू को। फेंक दिया इतना दूध पी रखा ना, तो छकलायो। मिष्टी खा ले, मिष्टी का मन नहीं देखा। आ रही है खा रही। चलो अंशी खाना खा ले बेटा। चलो ए बच्चो खुआ दो इन्हें बिन्नू को, आप भी खा लो खाना। आप भी खा लो खाना, टेस्टी खाना, अच्छी खाना, टेस्टी खाना। और बाय बाय भी कर दो बस। बाय बाय। हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक मत करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। अन्नू को कल को मिलते हैं फिर, आज मिल जाए एक अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।